धनी, मैं रितु सिंह चौहान और स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल माँ का मेन्यू में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट लड्डू, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बन जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कोकोनट लड्डू की रेसिपी। कोकोनट लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे। अभी हम इसमें 3 कप के करीब कोकोनट पाउडर डालेंगे। मैंने 3 कप कोकोनट पाउडर लिया है। आप जो भी हो, 3 कप या 3 कटोरी, जैसे भी आपको नाप मिले, आप उसके अकॉर्डिंग कोकोनट पाउडर ले सकते हैं। अभी हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से घी के साथ भूनेंगे। मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे हम कोकोनट को जैसे जैसे घी के साथ भूनेंगे, इसमें भीनी भीनी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप ध्यान रखें कि फ्लेम को हाई ना करें। आप देखेंगे कि कोकोनट पाउडर का धीरे धीरे कलर चेंज होने लग गया है। अभी कोकोनट को भूनते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो गई है और कोकोनट पाउडर अच्छे से भून चुका है। अभी हम इसमें 1.5 कप के करीब दूध डालेंगे। मैंने 3 कप कोकोनट पाउडर लिया है और 1.5 कप इसमें दूध ऐड किया है। अभी मीडियम फ्लेम पे दूध के साथ भी हम कोकोनट पाउडर को पका लेंगे। और इसी के साथ हम 3/4 कप मिल्क पाउडर भी डाल देंगे। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालें वरना आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन मिल्क पाउडर से इसमें खोया वाला टेस्ट आ जाएगा, जो कि लड्डू में बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी हम मीडियम फ्लेम पे इन सबको अच्छे से पका लेंगे। अभी हम इसमें चीनी डालेंगे। मैं इसमें 1 कप के करीब चीनी डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी चीनी को भी हम मीडियम फ्लेम पे इसके साथ पका लेंगे। चीनी भी अभी अपना पानी छोड़ेगी इसमें। ये रेसिपी झटपट बन जाती है, बस आप इसमें ध्यान रखें, लगातार चलाते हुए आप इसे पकाएं, वरना मिक्सचर तले में लग जाएगा।
अभी हम इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ये मिक्सचर अच्छे से इकट्ठा नहीं होने लग जाए पैन में। आप देखेंगे कि अभी हमारा मिक्सचर थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होने लगा है। अभी भी हम इसे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे और पकाएंगे। अभी मिक्सचर में हल्का सा कलर चेंज कर लिया है, इसका मतलब है कि हमारा मिक्सचर एकदम तैयार है। और अब जब आप इसे इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये चम्मच के लग रहा है, इसका मतलब है ये एकदम तैयार है। अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा करके फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। अभी मिक्सचर हल्का सा ठंडा हो चुका है, अभी हम इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते हुए लड्डू बनाएंगे। लड्डू का साइज आप अपने इच्छा अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से, और मैंने थोड़ा सा कोकोनट पाउडर लिया है। लड्डू को हम इसमें रखेंगे और थोड़ा थोड़ा कोकोनट पाउडर इस पर लगा देंगे, इससे हमारा लड्डू थोड़ा प्रेजेंटेबल लगेगा। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेते हैं। अभी हमने सारे लड्डू बना लिए हैं। लड्डू को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच पानी में कुछ केसर के धागे भिगो के रखे थे, अभी हम इसमें 1-1 ड्रॉप केसर का पानी डालेंगे। और अभी हम पिस्ता कतरन से भी इसकी गार्निशिंग करेंगे। लीजिए, अभी हमारे कोकोनट लड्डू तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक जरूर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को सबके साथ शेयर करें।